सीरीज को अगर हम समझे तो ये देखिए ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। इसके अंदर सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स का सम 116 है, तो लास्ट टर्म का आपने, तो शुरू करते हैं। क्या है पहला सवाल, एक बार देखते हैं। बोला क्या जा रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। कितनी टर्म्स हैं जी, 20 टर्म्स की बात हो रही है, और इनका क्या निकालना है हमने, इसका निकालना है हमने सम, ठीक है जी। ध्यान से देखते रहिएगा, ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज दिस। तो देखिए बेटे, जब आपको nth टर्म का फॉर्मूला दिया जाता है, जैसे कि इसके अंदर दे रखा है an किसके बराबर है, an प्लस b के बराबर है, तो इस तरीके के फॉर्मूले को लेकर हम किस तरीके से सवाल को लेकर चलेंगे उसे हम ध्यान से देखेंगे, और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो nth टर्म का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इसके अंदर n की वैल्यू 1 2 और 3 डाल दूं तो मुझे तीन टर्म पता चल जाएंगे। बात समझ आ गई, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम n की वैल्यू 1 डालते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है बेटे, a प्लस b मिलने वाला है। इस फॉर्मूले में आपने n की वैल्यू 1 डाली है, n की वैल्यू अगर आप बेटा 2 डाल दें तो क्या मिलेगा, a 2 प्लस में b। इसे आप क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस b। ध्यान से नोट डाउन करते रहिए। और n की वैल्यू अगर हम 3 डाल दें तो इसके अंदर हमें मिलेगा 3a प्लस में b। बात समझ गई, पहली टर्म हो गई, दूसरी होगी, तीसरी होगी। n की वैल्यू 1 का क्या मतलब होता है, n की वैल्यू 1 डाली तो हमें फर्स्ट टर्म, हमें फर्स्ट टर्म मिल गई है। इतनी बात समझ आती है, ठीक है। तो पहली टर्म क्या होगी बेटे, इधर नोट डाउन कर लीजिए, पहली हो गई a प्लस b, उसके बाद आपके पास है 2a प्लस b, 2a प्लस बी है, और तीसरी टर्म है 3a प्लस बी, 3a प्लस बी है। बात समझ आती है, तो तीन टर्म्स आपके सामने हैं और हमसे पूछा गया फर्स्ट 20 टर्म्स का सम निकालना है। कितनी टर्म्स का निकालना है, सम 20 टर्म्स का, तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, n बाई 2 2a प्लस में n माइनस 1 d होता है। इतनी बात समझ आती है, तो फर्स्ट टर्म आपको पता है, कॉमन डिफरेंस और निकाल लो बेटा, इसमें से अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये दोनों तो कैंसिल हो, चलिए ऐसे देख लीजिए 2a प्लस बी हो गया और माइनस ए माइनस बी हो गया। बात समझ आई, ये कैंसिल, तो कॉमन डिफरेंस आपका बेटा ए आता है कि नहीं, तो उसे भी नोट डाउन कर लेंगे, तो डी है ये आपका ए, क्लियर है, ठीक है। अब इसमें प्लेस करनी है वैल्यूज, तो एस 20 चाहिए हमें, 20 टर्म्स का सम चाहिए ना, तो 20 बाई 2 हो गया ट्वाइस ऑफ ए, ए की वैल्यू बोलो ए प्लस बी है कि नहीं, तो ए प्लस बी ये हो गया, प्लस में 20 माइनस 1 मतलब 19, डी कितना है जी ए है, क्लियर है। इसमें आपने वैल्यूज प्लेस कर दी और खटाक से आंसर निकाल देना है, इससे कैंसिल हो जाता है 10 टाइम्स, तो 10 हो गया ब्रैकेट बिगिन, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो 2a प्लस 2b हो गया प्लस में 19a हो गया। बात समझे, इसे सम अप करके कर दीजिए, तो 19a है 2, तो 21a हो गया प्लस में 2b हो गया। आई होप बात समझ आ गई होगी, नोट डाउन करिएगा प्रैक्टिस करने सवाल की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं एक बार, अगला सवाल है क्या, और ये लीजिए क्वेश्चन में क्या बोलोगे, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स। तो n की वैल्यू कितनी है बेटा, 25 है। बात समझ गए, ऑफ एन एपी, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, हूज एन टर्म इज गिवन बाय दिस, an का फॉर्मूला आपको दे रखा है 2 - 3n। ध्यान से देख लीजिए, तो 2 - 3n ये आपको फॉर्मूला दे दिया, और n 25 की आपको सम ऑफ n 25 टर्म्स है ना, n की वैल्यू 25 है, तो इसका आपने सम निकालना है। तो यहां पर आप n की वैल्यू 1 प्लेस करेंगे तो क्या बन जाएगा, a1, 2 - 3, कहने का मतलब -1। n की वैल्यू अगर आप 2 प्लेस करते हैं तो a2 आ जाएगा, तो 2 - 3 × 2 कहने का मतलब 2 - 3 = 6 कहने का मतलब -2 आ गया, सॉरी -4 आ गया, हटा बेस इसको सॉल्व किया तो यहां पर आपका -4 आ गया। a3 का क्या मतलब है बेटे, 2 - 3 × 3 कहने का मतलब 2 - 3 = 9 कहने का मतलब -7। बात समझे, तो ये हो गई आपकी फर्स्ट टर्म, a हो गया, कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, -4 में से 1 गया तो कॉमन डिफरेंस आपका -3 आता है, 7 में से 4 गया तो ये भी आपका -3। n की वैल्यू 25 है बेटा, खटाक से सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स लिख दीजिए, n बाई 2 होता है बड़ा ब्रैकेट, 2a प्लस में n माइनस 1 d होता है बेटा, ब्रैकेट का यूज करेंगे, और इस तरीके से n बाई 2, n की वैल्यू बोलो बेटा क्या है, n की वैल्यू दे रखी है इसके अंदर 25, तो ये हो गया 25/2। बोलो बात समझ आई, ट्वाइस ऑफ a, a की वैल्यू क्या है, -1 है, यहाँ पर -1 प्लस में 25 - 1 मतलब 24, d की वैल्यू क्या है, -3 है, पहले ही आपने निकाली हुई है, तो यहाँ पर -3 और ब्रैकेट क्लोज। इज दिस क्लियर, तो 25/2 आ जाता है बेटा ये, है ना, 2 - 1 - 2 आ जाता है, प्लस में 24
24 तीन तीन चौक 12 एक 72 माइनस का, ठीक है जी, तो ये क्या हो गया 25 बटे 2 हो गया। यहाँ पर इसे आप सॉल्व कर लीजिए, 72 और 2 माइनस 74 है और यहाँ पर कैंसिल हो, फाइनल आंसर आपके सामने आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके के सवालों को आपने ऐसे ही लेके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कराए जी। अगला सवाल ये लीजिए, क्या बोला जा रहा है, Find the sum of the first 25 terms of an AP whose nth term is given by this. तो n की वैल्यू बेटा 25 है और हमसे क्या पूछा जा रहा है, s 25 पूछा जा रहा है। जनरल फॉर्मूला दे दिया, an 7 माइनस कितना है 3n है, ठीक है। तो इसका हम किस तरीके से करेंगे, n की वैल्यू 1 डालो तो ये आपका a1 हो जाएगा और ये 7 माइनस 3 कहने का मतलब 4 8। a की वैल्यू 2 डालो तो 7 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 कहने का मतलब 1 आ जाए। A की वैल्यू 3 डालो बेटा तो 7 माइनस 3 3 9 तो कहने का मतलब माइनस 2 आ। बोलो बात समझ आई? ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, ये आपकी सेकंड टर्म होगी, ये आपकी थर्ड टर्म होगी। कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, माइनस 3 का आएगा अगर आप इसमें से सबट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। क्लियर है जी? तो माइनस 3 आपका कॉमन डिफरेंस हो गया, ये लीजिए कॉमन डिफरेंस। क्लियर? अब हमसे क्या बोला गया बेटा, एस 25, तो एस एन का फॉर्मूला जरूर लिखना। एन बाई 2 हो गया 2a प्लस में n माइनस 1 हो गया d हो गया, ब्रैकेट क्लोज हो गया। n की वैल्यू 25 है, 25 लगाओ यहाँ पे, 25 बटा 2 ट्वाइस ऑफ a कहने का मतलब a की वैल्यू 4 है तो 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस में 25 में से एक गया 24, कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो माइनस 3 आएगा। बोलो बात समझ आई? ठीक है, इसे बस जस्ट आपने सॉल्व करना है। तो 25 बटा 2 एज इट इज इसे सॉल्व करते हैं, 4 2 8 हो गया, 72 हो गया माइनस का और ये हो गया। इसे आप फाइनली सॉल्व करके आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। इज दिस क्लियर? तो इसी तरीके से सवाल को प्रेजेंट करना है और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए पेपर पेन लेके बैठा करो और बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करके एक बार अपने हाथ से भी देख लेते हो, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, आइए क्या है। इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट टर्म ये रही 25, उसके बाद 22 है, उसके बाद 19 है और ऐसे ही इंफिनिटी तक, ठीक है। और सम दे रखा है सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब SN आपको क्या दे रखा है, 116 दे रखा। हमें नहीं पता कितनी टर्म्स का सम है, बस हमें ये बता दिया कि सम ऑफ एन टर्म्स इज दिस, फाइंड द लास्ट टर्म। आपसे बोला गया कि लास्ट टर्म का पता लगाओ, मतलब AN, लास्ट टर्म का आपने पता लगाना है। लिख देते हैं AN का आपने पता लगाना है। तो सीरीज को अगर हम समझे तो ये देखिए, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। इसके अंदर सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स का सम 116 है, तो लास्ट टर्म का आपने पता लगाना है। तो चलिए, तो इसके अंदर बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल आप मार्क कर लेंगे क्या, ये हो गया a, कॉमन डिफरेंस और निकाल लेंगे वो हो जाएगा 22 माइनस 25 कहने का मतलब माइनस 3। बोलो बात समझ आती है, ठीक है। n की वैल्यू आप n ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सम ऑफ n टर्म्स है तो इसकी वैल्यू आप n ही लेके फॉर्मूला लगाएंगे सम ऑफ n टर्म्स का, क्या होता है n by 2 ब्रैकेट बिगिन 2a। क्लियर? तो ये क्या हो गया, n की वैल्यू निकालनी है, ट्वाइस ऑफ a मतलब a कहां है हमारा 25 है, तो 2 मल्टीप्लाई 25 प्लस में n माइनस 1 हो गया, कॉमन डिफरेंस कितना, बात समझ आ रही है। और इसकी वैल्यू कितनी है, ये दे रखी, ठीक है, यहां पर आप 116 लगा देंगे। बस अब आपने इसको सॉल्व करके n की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकलेगी देखो, इसे मल्टीप्लाई कर दो तो 2 और 32 आ गया, ये क्या हो गया n, 25 दो 50 हो गया यहाँ पर, प्लस में ये क्या हो गया माइनस 3 एन प्लस में 3 हो गया, तो इस प्लस को यहां से हम हटा देंगे, ये लीजिए, बात समझ आई, ठीक है। अब क्या करना है, 2 3 2 है यहाँ पे, ये एन हो गया, ये हो गया 50 और 3 53 हो गया, माइनस 3 एन हो गया, अब ये ऐसे, बात समझ आ रही है, ठीक है। ये हो गया बेटे 53 एन माइनस 3 एन स्क्वायर, क्लियर। चलिए थोड़ा सा और सॉल्व करना है, सबको एक तरफ ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा बेटे 53n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 2 3 2 हो जाएगा, ठीक है जी, कॉमन निकाल लो तो 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस में 2 3 2 हो गया। बोलो बात समझ आई, 3 है। अब ये क्या बन रहा है बेटे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जा रही है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके अंदर मिडिल टर्म स्प्लिट लगा के इसे पी ले। चलिए तो ये 3 हो गया, 3 को साइड में रखो बेटा, उसके बाद क्या है 232 लिख लो, ठीक है, यहां पर 2 1 6 2 1 1 इसे हटाओ बे 1 16 फिर 2 5
10, 2, 8, 16, फिर दो 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 चार 29, ठीक है 29 ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो दो चार दो छ 18, दो दो चार दूनी छती 18, 29 होता है आगे जाता है, 53 आना चाहिए ना। तो हाँ 53 माइनस का आना चाहिए, तो 3 से आपने सॉल्व किया ना, 3 आ रहा है 3n, ठीक है। तो 2 थे माइनस का ये हो जाना चाहिए 53, ठीक है। तो 2 दुनी 4 दुनी 8, 8 3 24 और 29, 9 और 4 13 का 3, 2 4 और 1 5 13, ठीक है। 2 2 4 2 8, 8 3 24, तो बेटा सिंपलीफाई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दो नंबर आपको मिल के आ गए बेटा, ये देखिए ये मिल गया 3n स्क्वायर माइनस 24n मिल गया माइनस 29n मिल गया और प्लस में 2 3 2 मिल गया। बोलो बात समझ आई, एक क्विक रिवीजन करा देता हूं, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 3n स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 3 2, प्रोडक्ट तो आना चाहिए ये और सम क्या आना चाहिए माइनस 53। तो दो नंबर कौन से हैं, ये और ये हैं, इसके लिए आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे क्या करना है, ये देखो भाई इनमें से कॉमन निकालना है आपने, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ठीक है माइनस 29 यहां पर n माइनस 8 आ गया, ठीक है बात क्लियर। तो 3n माइनस 29 या तो ये जीरो है या फिर n माइनस 8 ये आपका जीरो है, तो n की वैल्यू बेटा 8 आ जाती है, क्लियर है। तो कितनी टर्म्स हैं भाई, टर्म्स आपकी क्या होती हैं, देखो एक चीज और समझ लो, जो टर्म्स होंगी वो बेटा होल नंबर में होंगी, होल नंबर में होती है, ठीक है, वो फ्रैक्शन में नहीं होती, ठीक है फ्रैक्शन में नहीं होंगी। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, सेलेक्ट करेंगे इस वाले आंसर को, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके 8 है जिनका सम 116। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है जी अगला सवाल एक बार देखते हैं, ये देख क्या कह रहा है सवाल, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, एक सीक्वेंस दे दी बेटा, पहला नंबर है 18, फिर है 16, फिर है 14 और ऐसे करके इंफिनिटी तक, आपसे बोला हाउ मेनी टर्म्स है ना, तो आपसे n की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। बी टेकन सो दैट देयर सम इज जीरो, जिससे कि जो सम आए वो जीरो आए, कंडीशन समझ आई। एक बार फिर से समझते हैं कि भाई एक सीक्वेंस दे दी, उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी है, ठीक है, और सम ऑफ n टर्म्स जिसके अंदर आपको जीरो दे रखा है, क्लियर है। तो इस तरीके से चलिए एक चीज मैं और आपको बता दूं, देखो यहां पर इस वाले सवाल में ना आपसे लास्ट टर्म भी पूछी थी है ना, वो थोड़ा सा मिस हो गया, तो लास्ट टर्म और निकाल देते हैं। देखो बेटा लास्ट टर्म निकालने के लिए 8th इज द लास्ट टर्म, तो a 8 निकाल ली है, तो a प्लस 7d लगा देना, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ये चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि आपसे क्या पूछा था, फाइनल जो लास्ट टर्म है वो बताइए उसकी। तो लास्ट टर्म बेटे आपकी क्या आएगी, इस फॉर्मूले से आएगी, इसमें लगाइए, a भी आपको पता है, d भी पता है, 8 आपने निकाल लिया, ठीक है। चलिए तो हाँ इसकी बात करते हैं, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, एक सीक्वेंस दे दी, इनका सम जीरो हो जाए तो किस तरीके से होगा, ध्यान से समझिए। देखो बेटा मार्क कर लो पहले, क्या ये हो गई फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 16 में से 18 गया, तो कॉमन डिफरेंस बेटे आपका माइनस 2 आ गया। बोलो बात समझ आई, सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है, फॉर्मूला अप्लाई करिए n बाई 2 और यहां पर बेटे ट्वाइस ऑफ a प्लस में n माइनस 1 और d कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। बोलो बात समझ आई, ये क्या दे रखी है, सम ऑफ n टर्म्स की वैल्यू क्या दे रखी है, 0, यहां पर 0 प्लेस करो, यहां पर n की वैल्यू ही आपसे पूछी है, तो n बाई 2 ट्वाइस ऑफ a करें तो 2 मल्टीप्लाई 18 हो जाए, प्लस में 18 और n की वैल्यू निकालनी है, n माइनस 1 रहने दो, कॉमन डिफरेंस बेटा माइनस 2 का है, ये लगा। बोलो बात समझ आई, ध्यान से नोट डाउन करिएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करना है भाई, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 इज इक्वल टू n हो गया, यहां पर 18 2 36 हो गया, प्लस में माइनस 2 n हो गया, प्लस में 2 हो गया। बोलो बात समझ आई, ठीक है। तो प्लस माइनस एक साथ है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बेटा, आप समझदार हैं, यहां पर माइनस 2 n हो गया, प्लस में 2 हो गया। बोलो इतनी बात समझ आई, यहां पर n क्या हो गया, 36 और 2 बेटे 38 हो गया, माइनस 2 n हो गया। बोलो बात समझ आई, ये सब किसके बराबर है, 0 के। तो कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे, या तो n की वैल्यू बेटा 0 है या फिर इस पूरे प्रोडक्ट की वैल्यू 0 है। बात समझ आई भाई, दो चीजों का प्रोडक्ट, इसका और इसका पूरे का प्रोडक्ट 0 है, कहने का मतलब या तो n 0 है या फिर बेटे ये पूरा 0 है। तो यहां से जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे
38 इज इक्वल टू 2n हो जाएगा, n की वैल्यू बटे 19 आ जाए। बोलो बात समझ आई। तो कितनी टर्म्स का सम जीरो है, क्वेश्चन में क्या पूछा था एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछ क्या रहा था हमसे, हाउ मेनी टर्म्स पूछी थी, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपने निकाल दी है बेटे, नंबर ऑफ टर्म्स का जो आंसर आया है आपका यहाँ पे आपसे हाउ मेनी टर्म्स पूछी थी, है कि नहीं। तो फाइनल आंसर क्या है आपका वो देख लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स जो आई है वो बेटे आपकी 19 आई है। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा, नंबर ऑफ टर्म्स बेटा आपका 19 हो जाएगा। इज दिस क्लियर? नोट डाउन करेंगे और बढ़िया तरीके से इसकी प्रैक्टिस करेंगे, कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, अगला सवाल देख लेते हैं एक बार। क्या है सवाल में, हाउ मेनी टर्म्स आर टेकन इन द एपी, कितनी टर्म्स को हम एपी के अंदर लें, हूज फर्स्ट एंड द फिफ्थ टर्म्स आर दिस एंड दिस। भाई फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है, फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है -14, एंड फिफ्थ टर्म क्या दे रखी है, फिफ्थ टर्म क्या दे रखी है 2 है जी रेस्पेक्टिवली, एंड द सम ऑफ द टर्म्स इज 40। और सम ऑफ टर्म्स क्या बोला गया है, सम ऑफ टर्म्स क्या बोला गया है, सम ऑफ टर्म्स आपको बोला गया बेटा 40 आ जाए। एक बार फिर से समझते हैं, फर्स्ट और फिफ्थ टर्म दे रखी है आपसे, बोला गया हाउ मेनी टर्म्स, कितनी टर्म्स लें कि सम बेटा 40 आ जाए। कहने का मतलब आपसे n की वैल्यू पूछी गई है और सम ऑफ टर्म्स मतलब एस एन आपको दे रखा है 40, ये जो गिवन है। ये चीजें आपको पता चल जानी चाहिए क्वेश्चन पढ़ते। फर्स्ट टर्म क्या होती है बेटे a, ये हो गया -14। फिफ्थ टर्म क्या होती है a प्लस 4d, ये क्या है 2 है। फर्स्ट टर्म लगा दो इसमें तो -14 प्लस में 4d, ये 2 हो गया उधर जाएगा तो 4d 16 हो जाएगा। बात समझ आई, ये वैल्यू पता चल गई। तो d की वैल्यू क्या है बेटा 4 है, बात समझ गए। सम ऑफ एन टर्म्स दे रखा है, n की वैल्यू निकालेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट टर्म आपको ये क्या है, ये a है, और कॉमन डिफरेंस आपने निकाल लिया ये, बस नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, Sn क्या होता है, Sn होता है बेटा n by 2 ब्रैकेट बिगिन 2a प्लस में n माइनस 1d होता है। इतनी बात समझ आती है, Sn कितना है बेटा 40 है, n की वैल्यू निकालनी है कोई दिक्कत नहीं है। ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू कितनी थी -14 थी, यहां पर लगा दो -14, ठीक है। a कितना था -14 था, ठीक है। प्लस में n माइनस 1d कितना निकाला है बेटा 4 निकाला है, बस इस पे वर्कआउट करना है। ये लीजिए करते हैं, ध्यान से देखते रहिए बेटा, ये लो। तो ये हो गया बेटे 80, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो n हो गया 14, 2 माइनस 28 हो गया, ठीक है। यहां पर क्या हो गया, ये हो गया बेटे 4n माइनस 4 हो गया। बोलो बात समझ आई। तो 80 इज इक्वल टू n हो गया 28 और 4 32 हो गया, माइनस 32 जमा में 4n हो गया, बात खत्म। इसे आप फर्दर सॉल्व कर लीजिए, माइनस 32n हो गया। इसको जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे इसके साथ तो माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे प्लस में 4n स्क्वायर आ जाएगा। सबको एक तरफ ले आओ, कहने का मतलब माइनस 32n हो गया प्लस में 4n स्क्वायर हो गया माइनस 80 हो गया, और ये कुछ इस तरीके से क्लियर है, ये आपका फाइनल आ रहा है। अब क्या है, माइनस कॉमन लो या मत लो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर आप इसे 4n स्क्वायर माइनस 32n माइनस 80 लिख सकते हैं कि नहीं। 4 कॉमन लो तो n स्क्वायर 4 8 32n, 4 2 20, ये जीरो हो गया, ठीक है। अब ये है फाइनल, तो प्रोडक्ट क्या आना चाहिए भाई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी है, नहीं बन रही है ना। तो इसका इसका प्रोडक्ट माइनस 20n स्क्वायर हो गया, ये हो गया प्रोडक्ट। और सम क्या आना चाहिए बेटे, माइनस 8n, दो नंबर क्या है 10 और 2 है, इसे माइनस इसे प्लस बनाओ, n लगाओ n लगाओ। बोलो बात समझ आई, सीधा इसमें अप्लाई करो तो n स्क्वायर माइनस 10n हो गया प्लस में 2n हो गया, सम क्या आ रहा है 20 आ रहा है, बिल्कुल सही है, ये लीजिए, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन n, n माइनस 10 हो गया, ध्यान से नोट डाउन करते रहा करो, ठीक है। और प्लस में 2 तो n माइनस 10 ये हो गया, बात समझ आई क्लियर है। ये लीजिए अब देखिए क्या है, एक तो ये कॉमन है n माइनस 10 देख ही रहा होगा है ना, तो n माइनस 10, दूसरा क्या है n प्लस 2 है, कहने का मतलब 0, इसकी वैल्यू बेटे अगर 0 प्लेस कर दें तो n की वैल्यू 10, इसकी n की वैल्यू क्या रही है माइनस 2, माइनस 2 पॉसिबल नहीं है। मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है ना, जो नंबर ऑफ टर्म्स होता है ना, वो होल नंबर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकता, बात समझे, क्या नहीं हो सकता, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, बात समझे। तो बस n की वैल्यू कितनी आई, नंबर ऑफ टर्म्स आपसे पूछी थी, ये आपका 10 आ गया, ये आपका आंसर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत है कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।